जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लर्निंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी, जो है थॉर्नडाइक थियोरी ऑफ लर्निंग, जिसके वैसे तो कई सारे नाम हैं, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थियोरी भी कहते हैं, जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हों, KVS का हो, CTET में डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली भी अब इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। UPTET है, SuperTET है, DSSSB है, ये ऐसा टॉपिक है कि सब में ये आता ही आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे टॉपिक्स पर हमारी कमांड हो। तो आज की जो हमारी ये पूरी वीडियो रहने वाली है, ये आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी के ऊपर रहने वाली है। तो डिस्कशन करने से पहले, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के और जो यूज़फुल वीडियोस मैं बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये थियोरी समझ में आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो इस थियोरी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि लर्निंग की ये थियोरी है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो पहली चीज़ ये है कि थियोरी आपकी ये लंबी है, ये सारी जितनी भी थियोरीज होती हैं ये ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में तुरंत ही चली जाएंगी, बट हाँ अगर आप कंसंट्रेट करके एक बार भी पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी देती हूँ कि जहाँ अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको थियोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जितना हो सके पूरी ये कोशिश करिए कि इस थियोरी को इसी वीडियो में अच्छे से समझ करके और उसको दिमाग में बैठा करके आप जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देने वाले कौन है, E.L. थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है थॉर्नडाइक। आज जो हम साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में पढ़ते हैं, जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, उसके फादर कहे जाते हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जो है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से उस पर वर्क किया कि आज हम एजुकेशन के फील्ड में इसकी यूटिलिटी को पढ़ते हैं। उसके साथ ही थॉर्नडाइक जो है, ये आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने वैसे तो कई सारी थियरीज दी हैं और कई सारे एनिमल्स के ऊपर इन्होंने क्या किया है, रिसर्च किया है, बट उसमें से जो फेमस जो ये हम पढ़ते हैं वो किसके ऊपर किया है, तो वो बिल्ली, जो कैट है, वैसे तो इन्होंने पिजन, जो कबूतर है, बिल्ली है, चूहा है, बहुतों के जानवरों के ऊपर किया, ठीक। बट जो बिल्ली वाला है ये इनका सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसके आज हम जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में इनके हम बात करेंगे। तो देखिए, जो इनकी थियरी है, पहले हम इसका कुछ बेसिक जिस्ट समझते हैं कि ये लर्निंग की थियरी है। तो उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लर्निंग क्या होती है। तो देखिए, अगर हम थॉर्नडाइक के शब्दों में कहें तो लर्निंग क्या है कि जैसे दो शब्द इन्होंने दिया, एक है स्टिमुलस और एक होता है रिस्पॉन्स। क्या दिया है, एक स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं उद्दीपक, और दूसरा है आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस उद्दीपक, रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया, कि आपके सामने उद्दीपक क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्शन करने के लिए क्या कर दे, फोर्स कर दे, बिल्कुल मजबूर कर दे। और जब आप उस चीज़ के प्रति एक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, तो वही आपकी अनुक्रिया होती है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, कि आपके सामने कोई वस्तु आई या कोई चीज़ आई, आप उसने उसको देखकर क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक कनेक्शन बन गया। अब यही जब आप रिपीट करते रहते हैं कि बाद में फिर कभी आए, तो आप प्रीवियस रिस्पॉन्स को कर रहे हैं, उसी के जैसा कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो इस कनेक्शन को बताने वाले कौन थे, थॉर्नडाइक थे, इसीलिए इनकी थियोरी को हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। तो पहला नाम समझ में आया, थॉर्नडाइक थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म संबंधवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एस और आर बॉन्ड की बात की है, इसी कारण इसको SR थियोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SR थियोरी। तो एक आपने देखा थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म, दूसरा आपने देखा SR थियोरी, उसके बाद जो मोस्ट फेमस इनके थियोरी का नाम है वो यही है, ट्रायल एंड एरर थियोरी। कि जैसे आपने स्टिमुलस किया रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, कि आपको उससे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इस केस में क्या है, आप दोबारा से मल्टीपल रिस्पॉन्स करेंगे। जब आप कई सारे रिस्पॉन्स करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर,
कर रहे हैं गलती, फिर उससे सीख रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण इनकी थियोरी का एक और नाम है जिसको हम ट्रायल एंड एरर थियोरी भी कहते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आए, इनकी थियोरी के कई सारे नाम हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक थियोरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, या फिर थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, या एस आर बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड थियोरी भी कहते हैं, या फिर द मोस्ट एंड द फेमस ट्रायल एंड एरर थियोरी भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नाम है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे जब हम लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमने किसी चीज़ के बीच में क्या किया, संबंध एसोसिएट किया, संबंध बनाया, जो स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स, और जब उसी को सीखते हैं तो यही आपका क्या हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले तो इनका हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे। तो लर्निंग आपको समझ में आ गई, कनेक्शनिज्म समझ में आया, संबंधवाद। जब हम थॉर्नडाइक की थियोरी को पढ़ते हैं तो इनकी थियोरी को भी ना लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक 1930 के बिफोर कि 1930 कनेक्शनिज्म बिफोर 1930, कनेक्शनिज्म आफ्टर 1930। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और इनके द्वारा दिए गए लॉज, जिससे पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। क्लियर? कभी कभी तो आपसे ये भी पूछता कि इन्होंने किस जानवर के ऊपर किया, तो मैं यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ कि जैसे कि इनका एक्सपेरिमेंट था बिल्ली पे, ठीक, जो पावलोव थे। अगर आपने उनकी थियोरी नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ, आप यूट्यूब से जाके, मैंने वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पावलोव ने किसके ऊपर किया है, कुत्ते के ऊपर किया है। वहीं स्किनर का है, तो स्किनर ने किसके ऊपर किया था, तो स्किनर ने चूहे के ऊपर किया था। ठीक, वैसे तो स्किनर के भी कई सारे हैं, और एक इनसाइटफुल लर्निंग जो सूझ का सिद्धांत है उस पर उन्होंने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी के ऊपर किया था। ये कुछ एनिमल स्पेसिफिक आपकी जानकारी है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो है बिल्ली के ऊपर है। अब यहाँ पे जो बात होती है, एक्सपेरिमेंट क्या था, अब हम उसको समझते हैं। तो एक बॉक्स था जिसको कहते हैं पजल बॉक्स। बॉक्स के केस में भी याद रखिएगा, थॉर्नडाइक का है तो इसको हम पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं, बट अगर यहीं आपसे स्किनर का कह दे तो स्किनर के केस में उसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। तो पजल बॉक्स का एसोसिएशन किसके साथ है, पजल बॉक्स या आपका थॉर्नडाइक का था। तो एक पजल बॉक्स बनाया गया था जिसमें कि लीवर था, जिसमें बिल्ली को अंदर पैक कर दिया गया था, और ऊपर से उसको जो है नॉब से सिटकिनी से बंद कर दिया गया था। अब चूंकि वो बिल्ली थी तो हो सकता है कि हो सकता है कि वो उसमें वेरियस रैंडम क्या कर रही थी, जो है एक्शंस कर रही थी। रैंडम एक्शंस का मतलब क्या है कि अब बिल्ली है तो वो उसमें अगल बगल घूम रही थी, हाथ पैर मार रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर जस्ट उस नॉब के जो है उसके लिए फिश रखी गई थी जो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही थी, उद्दीपक का, जो उसको अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, उसको खाने के लिए मजबूर कर रही थी। तो अब बिल्ली उससे बाहर कैसे जाए? तो चूंकि इन्होंने पूरी तरीके से उसको बंद कर रखा था, बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि उन्होंने उसमें क्या किया था, एक लीवर को लगाया हुआ था जिस पर बिल्ली जैसे ही हाथ पंजा रखती वो नॉब यहाँ से बाहर से सेट की नहीं क्या हो जाती, इसका रास्ता खुल जाता और बिल्ली जाके खा लेती। तो बिल्ली ने जब उस पजल बॉक्स के अंदर थी उसने बहुत सारे बिहेवियर्स किए जो कि अनवांटेड थे, अनयूजुअल बिहेवियर थे, जो किसी काम के तो नहीं थे, बट उसने ऐसा किया क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो नॉब लीवर को प्रेस करने से उसकी जो है दरवाज़ा वो क्या होगा, वो खुल जाएगा। तो बिल्ली ने वहाँ पे उछलना कूदना नोचना घसीटना ऐसे कई प्रकार के व्यवहार किए। जब ऐसा ही करते करते एक व्यवहार में उससे क्या हो गया, जो यहाँ पे लीवर था उसके पंजे से जाकर दब गया। लीवर के दबते ही जो यहाँ से इसका दरवाज़ा था वो क्या हो जाता है, खुल जाता है और बाहर रखी मछली उसको क्या हो जाती है, खाने को मिल जाती है। जब ऐसा होता है तो इसके बाद के कई प्रयासों में पाया गया, ठीक है, इसके आगे जो ट्रायल्स किया थॉर्नडाइक में, उन्होंने उसमें पाया कि जो रैंडम बिहेवियर वो शो कर रही थी, जैसे उछलना कूदना, धीरे धीरे उसकी कमी हो गई। और एक टाइम ऐसा आया कि जब बिल्ली को हम पिंजड़े के अंदर पजल बॉक्स के अंदर रखते और उसने लीवर को प्रेस करके डायरेक्टली क्या किया, फूड को वो ले लेती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली ने इसको ट्रायल और एरर करके सीखा। बिल्ली ने क्या किया, संबंध एसोसिएट कर लिया, कनेक्शन बना लिया कि ये जो लीवर है ना इसका संबंध इस दरवाजे से है कि जैसे ही मैं इस पर दबाऊंगी तुरंत ये क्या हो जाए, खुल करके और मुझे खाना मिल जाएगा। तो बिल्ली ने क्या किया, उसमें जो है अपनी जो है क्या की, उस चीज़ को सीखते सीखते किया।
इनके थियोरी का ये डीमेरिट भी है कि इन्होंने कहीं भी सूझ अंडरस्टैंडिंग को महत्व नहीं दिया। इनका कहना है कि मैंने जानवरों में कुछ ऐसा देखा नहीं कि नहीं उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया या अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग किया। इनका कहना है कि वो बार बार वो रिपीटेड बिहेवियर किए और जो बिहेवियर से उसको जो है क्या मिला, सेटिस्फाइंग बिहेवियर जो उसका हुआ कि जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिला वो बिहेवियर वो आगे करते गए और जिस बिहेवियर से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस बिहेवियर को वो एलिमिनेट करते गए, छोड़ते गए। ठीक, तो ये उनका पूरा के पूरा क्या था, आपका एक्सपेरिमेंट था जिसमें मछली या फिर कोई भी फूड जो उसको खाने को दिया जा रहा है वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करती है और चूंकि बिल्ली क्या थी, भूखी थी तो उसको खाना चाहिए था, तो वो उसके लिए मोटिवेशन उसका ड्राइव का काम कर रही थी। और मोटिवेशन क्या था कि यहाँ जो मछली रखी थी उसकी स्मेल उसके चारों तरफ जा रही है, बिल्ली को चाहिए खाना, तो बिल्ली अलग अलग प्रकार के एक्शंस करके उस खाने को ले लेती है। क्लियर, तो ये इनका ओवरऑल क्या था, एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो अब हम आएंगे लॉज ऑफ लर्निंग जो आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो तो अच्छे से पेशेंस के साथ देखें, बिल्कुल हड़बड़ाएं ना, क्योंकि ये सारे लेंथी टॉपिक्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, बट इनके ऊपर समझ अगर आपको चाहिए तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्जामिनेशन चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में एक नंबर भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो है हार्डवर्क से भागिए नहीं, इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए, जब हम आते हैं इनके लॉज ऑफ लर्निंग पे, मतलब जो सीखने के जो सिद्धांत दिए किसने, थॉर्नडाइक ने, तो हम इनको दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, हम इन चीज़ों को यहीं पे याद करके जाएंगे। और आप भी ये चीज़ जो है जो पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं इसके बाद आपको गायब हो जाए, आपको कुछ समझ ना आए। तो लॉज ऑफ लर्निंग को अपने दिमाग में एक बनाइए कि लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। इन्होंने दो प्रकार के लॉ दिए, कौन कौन सा, पहला लॉ क्या है, प्राइमरी जो प्राथमिक नियम है, और दूसरा है गौड़ नियम जिसको सेकेंडरी कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, प्राइमरी लॉज, सेकेंड है सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज के अंदर हम थ्री लॉज को पढ़ते हैं। ठीक, साथ में बोला करिए, मन में ही बोला करिए, तेजी से बोला करिए, उससे क्या होगा आपके दिमाग को इस चीज़ का मैसेज जाता है और आपको वो चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे फैमिलियर होती है। तो प्राइमरी लॉज में थ्री लॉज, सेकेंडरी लॉज में एट लॉज को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी लॉज जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सीटेट की अगर बात करूँ, उसके टॉपिक में तो ये आपका नहीं है, बट उन्होंने क्वेश्चन दिया है। अगर मैं बात करूं 2022-23 का जो पेपर था उसमें उन्होंने दिया था कि ट्रायल एंड एरर थियोरी वॉज गिवन बाय, तो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट उनका इंसाइटफुल लर्निंग भी नहीं उनके सिलेबस में, बट उन्होंने उसको भी दिया था कि इंसाइटफुल लर्निंग का संबंध किससे है, तो उन्होंने कोहलर जो है उसी से है, तो उन्होंने ऑप्शन में ये भी चीज़ दिया था। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट सब में ये है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं प्राइमरी लॉ में कितने नियम, तीन नियम, सेकेंडरी में कितने हैं, आठ, ये पता हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइमरी नियमों पे। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के प्राथमिक सिद्धांत क्या क्या हैं, तो तीन हैं। सबसे पहले उन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। ठीक, क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। ठीक, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, प्रभाव का नियम। तो क्या क्या है, तत्परता का सिद्धांत या तत्परता का नियम, ठीक, अभ्यास का नियम और प्रभाव, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीन तो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, रेडीनेस, इफेक्ट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, जो भी है। अब हम इसके डिटेल में आते हैं कि भाई पहला है तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है ये नियम। तो रेडीनेस का मतलब क्या होता है, तत्परता, आप किसी कार्य को करने के लिए कितने तत्पर हैं। ठीक, जैसे अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, आपको इस थ्योरी को सीखना है, तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि नहीं आज तो हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उस चीज़ को सीख कर जाएंगे, तो आप निश्चित ही उस चीज़ को क्या करेंगे, सीख लेंगे। बट अगर आपके अंदर है कि नहीं पढ़ना नहीं, बस आप देख रहे हैं, तो शायद आपके पास उतनी, मतलब आप एब्जॉर्ब न कर पाए, आपको मेरी बातें उतनी क्लियर तरीके से समझ में ना आए। क्यों, क्योंकि आप रेडी नहीं हैं मेंटली, फिजिकली आप रेडी नहीं हैं। तो तत्परता का सिद्धांत यही कहता है कि जब भी कोई भी बालक है, अगर वो सीखने जा रहा है या उसको कोई चीज़ सीखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से स्वस्थ हो और उसके अंदर तत्परता हो कि नहीं मुझे इस चीज़ को करना है, मुझे इस बार जो है
इस कंपटीशन में अपनी प्लेस बनानी है, मुझे इस बार नौकरी लेनी है, तो वो तत्पर जब रहेगा तभी उसके अंदर उस कॉन्फिडेंस आएगा, तभी वो चीज़ों को कर सकता है। अब इस तत्परता के अंदर भी ना तीन सिचुएशंस इन्होंने दी, तीन परिस्थितियां दी है कि भाई तत्परता तो है, लेकिन जैसे देखिए रेडी मतलब कोई व्यक्ति है जो कार्य करने के लिए तैयार है और उसका कार्य हो भी जाता है। ठीक, अब जैसे आप आए कि मैं आज जो है थॉर्नडाइक की थियोरी को पूरा सीख लूंगा, आप तैयार थे, आपने सर्च किया राजर्षि क्लासेस, ठीक, आपने सर्च किया कि हमें थॉर्नडाइक की थियोरी बाय राजर्षि क्लासेस, आपने देखा और आपका काम हो गया, आपको समझ में भी आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, आपके अंदर संतोषजनक व्यवहार होगा, सेटिस्फाइंग बिहेवियर होगा। आगे जब आप जाएंगे तो फिर आप दूसरी थियोरी जाएंगे तो आप वहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया और फिर आपको दिखेगा कि अच्छा उससे मेरे एक मार्क्स दो मार्क्स आ गए, आगे अगर आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी काम आ गया, तो उस बिहेवियर को आप क्या करेंगे, आगे तक कंटिन्यू करेंगे। करेंगे कि नहीं, क्यों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे आपको सेटिस्फाइंग बिहेवियर मिल रहा है। अब आप तो रेडी हैं लेकिन काम तो हुआ ही नहीं, आप तत्पर हैं किंतु आपका कार्य क्या हुआ, वो पूरा नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इससे आपके अंदर अनोयंस आ जाएगी, खिंच आपके अंदर आएगी कि अरे यार हम तो किए थे कोशिश लेकिन हुआ नहीं। क्लियर, अब एक वो है कि जब आप रेडी ही नहीं है कि नहीं हमको तो करना ही नहीं और ना आपका हुआ ही, तो उस केस में भी आपके अंदर क्या होगा, खिज की भावना बढ़ जाएगी, सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा और बहुत चांस है कि आप इन दोनों लेवल में क्या करेंगे, इसमें तो बिल्कुल ही चीज़ों को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे कि नहीं हमसे तो ये चीज़ नहीं होने वाली या हम इसको नहीं करेंगे। तो ये तीन परिस्थितियाँ हैं किसकी, तत्परता की। इसमें बेस्ट यही है कि हमको हमेशा कोई भी चीज़ जब हम करने चाहते हैं तो हमको मेंटली रूप से अधिक प्रिपेयर होना होता है कि अभी जैसे आने वाला है, चाहे कोई भी कंपटीशन है, प्रिपरेशन है ट्वेल्थ के बाद, जो प्रेशर होता है व्यक्ति के दिमाग में कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ ऐसे है, तो अगर आप पहले से उस चीज़ को सोचे होते हैं तो आपको थोड़ा कम मेहनत करनी होती है और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकल जाते हैं, बट सोचा ही नहीं, अब एकाएक आ जाता है पेपर, तो उससे क्या है कि हमारे अंदर स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं उससे जो हमारा लेवल है, जो हमारे काम करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है और हमारे अंदर अनोयंस जो है वो बढ़ जाती है। तो अब हम सेकेंड लॉ को देखते हैं, ये लॉ ऑफ रेडीनेस था जिसमें तीन कंडीशंस को हमने देखा, रेडी प्लस वर्क डन, रेडी प्लस वर्क नॉट डन और नॉट रेडी एंड वर्क नॉट डन। तो ये तीन मैंने इसको पॉइंट्स में किया है ताकि आप इजीली समझ सकें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, जो हमारी एक कहावत है ना कि जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो है प्रैक्टिस है वो एक व्यक्ति को क्या बनाती है, परफेक्ट बना देती है। या फिर हिंदी में अगर आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, वही वाली चीज़ है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अभ्यास करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पा सकते। तो यहाँ पर भी जो अभ्यास की बात की जा रही है कि अगर कोई चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित ही आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही बात है कि आप बार बार, अगर आपको थॉर्नडाइक की वीडियो एक बार में नहीं समझ में आई, आपने दो बार देखा, कैसे वो चीज़ नहीं आएगी, आपको निश्चित ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके प्रैक्टिस में है। अब यहाँ पर भी दो इसके सब पार्ट्स हैं, एक है लॉ ऑफ यूज, एक है लॉ ऑफ डिसयूज या अनयूज। यूज़ का सिद्धांत कहता है कि जो चीज़ रेगुलरली आपसे फेमिलियर हो रही है, अब आप प्रिपरेशन जब करते टाइम, मान लीजिए आप यूपी टेट की प्रिपरेशन या केवीएस की कर रहे हैं, अब आप इस थियोरी को पढ़ रहे हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके माइंड में लगातार हो रही है। ठीक, पूरी थियोरी आपने एक ही दो बार पढ़ी, बट क्वेश्चंस को देखते ही पूरी पूरी थियोरी आपके रिवाइज हो जा रही है कि अच्छा यार हाँ ऐसे ऐसे था, तो वो क्या है, आपके यूज़ में है। तो वो चीज़ जब आपके यूज़ में है तो आप उसको बेटर कर लेंगे। अब वहीं आपने सारी तैयारी छोड़ दी, अब दो साल बाद कोई आपसे पूछे कि यार बताओ कौन कौन से लॉस थे, तो शायद आप ना बता पाएं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो, बट डिसयूज़ है वो अभी आपके यूज़ में नहीं है। तो अभ्यास का नियम यही कहता है कि हमको निरंतर चीज़ों को रिवाइज रखना चाहिए। यही रीज़न है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले हमको हर एक पॉइंट्स को क्या करना चाहिए, रिवाइज करके जाना चाहिए। थर्ड आपका है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आप इस थियोरी को कनेक्ट करके अपने साथ पढ़ेंगे तो ये थियोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो थॉर्नडाइक ने दी है, आप इसको रिलेट कर पाएंगे तब। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रभाव या तो आप दूसरे पर देखते हैं या खुद पर देंगे, तो ये जो प्रभाव है ये क्या कहता है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, इनका एक एस है और एक आर है। इन दोनों लोगों के बीच में भाई बॉन्ड बनता है, कनेक्शन बनता है। जब वो कनेक्शन दो चीज़ देगा,
ठीक, अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति है और हमने उस परिस्थिति के सापेक्ष कोई रिस्पॉन्स, कोई अनुक्रिया दे दिया, तो हो सकता है या तो वो अनुक्रिया मेरे लिए संतोषजनक व्यवहार या संतोषजनक चीज़ लेकर आए, मेरे लिए अच्छा पुनर्बलन रेनफोर्समेंट लेकर आए, या तो फिर अच्छा ना आए। तो अगर मेरे लिए वो सेटिस्फाइंग बिहेवियर लेकर आता है, संतोषजनक व्यवहार मेरे सामने होता है, तो मैं तो उसको दोबारा से करना चाहूँगी, मतलब उसका प्रभाव मेरे पर अधिक पड़ा। और वहीं अगर उस वो कार्य मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ हुआ नहीं उससे खास, तो मैं धीरे धीरे उसको क्विट करते जाऊँगी, छोड़ दूंगी। तो सेटिस्फाइंग वाला हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि अनॉयंस होता है तो हम उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, उस चीज़ को करना दोबारा नहीं चाहते हैं। यही आपका प्रभाव का सिद्धांत कहता है कि हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, कि बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को देख के, उसमें से जिस रिस्पॉन्स से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जिस रिस्पॉन्स को करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको हम वहीं पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये आपके तीन क्या थे, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक थे। कौन कौन सा था, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसमें हमने तीन को पढ़ा, साथ में बोलिए ठीक, प्राइमरी लॉज में हमने तीन को पढ़ा, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसमें हमने तीन सब पॉइंट्स को पढ़ा कि कब हम सेटिस्फाइड होते हैं, बाकी दो केसेस में अनॉयंस होते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसमें हमने अभ्यास का नियम पढ़ा, जिसमें लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ या अनयूज़ की बात करी, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसमें SR बॉन्ड के कनेक्शन की बात करी गई कि कब स्ट्रेंथ होगा और कब हम जो है बिहेवियर को क्विट कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉज क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी पूछता भी है तो हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको हम ऐसे ही समझेंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आठों आप तीन आपको ये याद है ना, तो सेकेंडरी नियम, इन तीनों के बाद कोई भी पूछेगा तो वो सेकेंडरी ही होगा। तो नाम अगर आप नहीं भी रटते हैं बट मतलब समझना ज़रूरी है। बट इसके पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारी ऐसी थियरीज थी जो किसने दी थी, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं उधर का थोड़ा सा पोर्शन मिटाऊंगी। ठीक, तो देखिए मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारी थियरीज हैं जिसको किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, तो उसी में से एक थियरी है जिसको हम कहते हैं समान तत्व का सिद्धांत, आइडेंटिकल जो है आपका आइडेंटिकल एलिमेंट थियरी। तो आइडेंटिकल एलिमेंट थियरी देखिए आपकी क्या कहती है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, दो चीज़ें जो आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं, कॉमन होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं, जो आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं या फिर कॉमन होती हैं। तो ये इन्होंने यूज़ किया है लर्निंग में, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के साथ इन्होंने इसको एसोशिएट किया है, जोड़ा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के साथ कैसे, कि उनका कहना है कि अगर कोई दो स्टिमुलस हैं या दो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कॉमन हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कोई भी चीज़, मान लीजिए कि हमने थॉर्नडाइक को ही पढ़ा, तो थॉर्नडाइक हो सकता है साइकोलॉजी में भी आपके आ जाएं, और आगे अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं बीएड में है तो बीएड में भी आपके यूज़ हो जाए, या कहीं और किसी और दूसरे फील्ड में यूज़ हो जाए। तो ये क्या है कि पोर्शन तो सेम है, कुछ कुछ कॉमन हो सकता है। या तो जैसे अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं, ठीक, आपको साइकिल चलाना आता है, तो बहुत जो है इसके चांस है कि आप बाइक को आसानी से चला सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उसके जो चीज़ें हैं जो सीखने में आपके मदद करेगा, वो आपको बैलेंस करना, हैंडल को कैसे पकड़ना, तो वो चीज़ आपको पहले से आ रही है जो आपने साइकिल में सीखी है, अब उसको आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आगे यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि एक स्थान पे सीखी गई लर्निंग दूसरे स्थान पे आपकी क्या कर रही है, मदद कर रही है। अब वो कितनी मदद कर रही है ये डिपेंड करता है उसके कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर, उसके आइडेंटिकल होने के ऊपर। जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें कॉमन होंगी उतनी ही पॉजिटिव लर्निंग आपकी होगी, उतनी ही अच्छे से और उतनी ही जल्दी आप सीख जाएंगे, और जितना ही कम होगा उतना ही आप कम सीखेंगे। तो इन्होंने इस आइडेंटिकल एलिमेंट्स की जो अपनी थियरी दी थी, इन्होंने किसके साथ एसोसिएट किया था, अधिगम का स्थानांतरण के साथ, जिसको हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण, जो कि इन्होंने बताया कि भाई पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ज़ीरो। वैसे तो कई तरीके की आपकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बायलैटरल, बहुत सिमेट्रिकल। तो ये क्या है, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का केस वही है कि जब ये जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं इसकी संख्या अधिक होगी। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है एक्स कार्य कर रहा है और कोई व्यक्ति है जो वाई कार्य कर रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में दोनों में 10-10 एलिमेंट्स हैं। ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, ठीक, 10 एलिमेंट्स इसमें, 10 एलिमेंट्स इसमें,
एट एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। मान लीजिए 10 एलिमेंट्स के नाम मैंने लिख दिए, तो 8 ऐसे हैं जो ए में भी पाए जा रहे हैं और 8 ऐसे हैं जो बी में भी पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगा, जल्दी होगा। क्लियर? तो ये आपका कहता है क्या, आइडेंटिकल एलिमेंट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये छोटी सी चीज़ थी। अब हम सेकेंडरी लॉज के ऊपर आते हैं। सेकेंडरी लॉज में बहुत सारे लॉज हैं, जैसा कि हमने देखा 8 लॉज, और प्राइमरी में 3 हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्राइमेसी का मतलब होता है जैसे प्रिपरेशन, जिसको हम प्राइमेसी, प्राइमर, जैसे प्राइमर अगर पता है मेकअप में सबसे पहले यूज़ करती हैं लड़कियाँ, तो वो क्या है, प्राइमर। तो जो प्राइमर है सबसे पहले, तो यहाँ उसी से आप इसको रिलेट करिए, प्राइमेसी मतलब शुरुआत, कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, ठीक, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत स्मॉल स्टेप्स के साथ अच्छे से करनी चाहिए, तो शुरुआत की बात प्राइमेसी में करते हैं। रिसेंसी, रिसेंसी कहता है कि जो चीज़ है ना, जैसे अभी आप इसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे तो आप शायद कर लें, यही अगर 2 दिन बाद दे तो थोड़ा कम करें, 4 दिन बाद दे तो आप और भूलते जाएंगे, तो उसका जो है उसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। तो जो रिवीजन है, इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो रिवाइज करेंगे तो कैसे, इसका मतलब है कि जो लेटेस्ट चीज़ आप पढ़े हुए होते हैं, जो लेटेस्ट चीज़ आप पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्प करती है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में जो है रहती है। तो लॉ ऑफ रिसेंसी यही कहता है कि हमको चीज़ों को रिवाइज्ड रखना चाहिए। लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, उद्दीपक और उसकी तीव्रता क्या है, स्टिमुलस है तो अगर उसकी तीव्रता अधिक होती है तो बहुत चांस है कि रिस्पॉन्स जो है वो भी क्या होगा, तेज होगा। और ये डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स फास्ट होगा कि स्लो। इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके सामने वाले पर्सन के ऊपर उसको बिल्कुल एक्शन करने के लिए हम इन्फोर्स्ड कर दिए, क्योंकि उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत अधिक है, तो इस केस में जो है रिस्पॉन्स भी तेज़ी से होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जैसा हमने कैट के केस में, बिल्ली के केस में ही देखा कि बिल्ली ने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए जो कि रैंडम थे, अनयूजुअल थे, ठीक, हाथ पैर मारना सब चीज़ उसने की, बट धीरे धीरे वो जो मल्टीपल रिस्पॉन्स है वो कम होते जाएंगे और फिर वो एक सिंगल रिस्पॉन्स जो सही है, जिससे उसको सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलेगा, वो रिस्पॉन्स पे वो आ जाएगी। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, जब आप किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि आपका किसी चीज़ को सीखने के प्रति जैसा एटीट्यूड है, आप वही चीज़ सीखेंगे। जिस सोच को लेकर के आप आए हैं पढ़ने की, नहीं आपको पढ़ के जाना, तो निश्चित ही आप पढ़ के और उस चीज़ को सीख कर जाएंगे। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अब आपका नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। एनालॉजी या एसिमिलेशन की बात होती है। एनालॉजी का मतलब कि जो आपने पहले सीखा, मतलब आपके सामने कोई स्टिमुलस आया और आपने उस स्टिमुलस को क्या करा कि उसके साथ रिस्पॉन्स किया तो आपको सही रिजल्ट मिला, तो अब फ्यूचर में जब आपके साथ वो आएगा तो सामने वैसी ही कोई स्टिमुलस आएगा तो आप उसके साथ एसिमिलेट कर लेंगे और फिर आप वही सेम रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर। क्लियर? प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे एनालॉजी एंड एसिमिलेशन में। लॉ ऑफ एसोशिएट शिफ्टिंग, एसोशिएट शिफ्टिंग का मतलब क्या है, देखिए इसमें आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे किया था, बट यहाँ पे क्या है कि आप चीज़ों को, जैसे हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में पढ़ा ना कि एक चीज़ का जो है दूसरे चीज़ में आप क्या करता है, मदद करता है, तो यहाँ उस शिफ्टिंग की बात हो रही, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो सूज का सिद्धांत है, इनसाइटफुल लर्निंग है जो जेस्टाल्ट द्वारा दिया गया था, उसके अपोजिशन में बात की गई है। क्यों? क्योंकि जो जेस्टाल्टवादी है ना, जो सूज का सिद्धांत, आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका कहना है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि वो इस पूरे की पूरी चीज़ों को, जैसे जितनी भी चीज़ हम पढ़ते हैं देखते हैं, वो बस एक बात कहते हैं, एज अ होल, इसको आप याद रखिए, एज अ होल, जो जेस्टाल्ट है उनका कहना है कि वी सी द वर्ल्ड एज अ होल नॉट एज इट्स पार्ट, कि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो भाई पूरे रूप में देखते हैं, संपूर्ण रूप में, ना कि उसके पार्ट में। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के फेस को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसकी आंखों को देखते हैं, आप उसके पूरे ओवरऑल फेस को देखते हैं। अभी आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिखी सिर्फ एक चीज़ को देख रहे हैं, पूरे के पूरे बोर्ड को आप देख रहे हैं। तो ये किसका कहना है, इनसाइट वालों का, सूज का सिद्धांत देने वालों का, जेस्टाल्टवादियों का।
जबकि थॉर्नडाइक ने इस चीज़ का कहीं ना कहीं अपोज करते हुए बताया कि बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं तो पार्शियल एक्टिविटी मतलब जो सिखा रहे हैं उसको बाई पार्ट्स में कर करके रोज कराइए, आप थोड़ा थोड़ा कराइए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और उसको धीरे धीरे सिखाइए, तो इससे क्या होगा, लर्निंग बहुत ही बेहतर होगी और बच्चे को समझ में भी आएगा। तो ये किसका कहना था, थॉर्नडाइक का कहना था। तो देखिए आज के सेशन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आपने थॉर्नडाइक का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लिया जो कि बिल्ली के ऊपर था, उसके बाद मेन इनके लॉज जो थे, लॉज ऑफ लर्निंग या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने दो लर्निंग देखा, एक प्राइमरी लॉज एक सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉ में हमने तीन देखा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। और जब हम सेकेंडरी लॉज में आते तो इसमें हमने आठ प्रकार के जो है सेकेंडरी लॉज देखा, जिसमें लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिशेंसी, एसोसिएट शिफ्टिंग, इस प्रकार से आठ आपके पूरे के पूरे थे। तो आई होप कि थॉर्नडाइक का जो ये पूरा टॉपिक था ये आपको समझ में आया हो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।